बढ़िया कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे बगल बगल में आपको जो है यहाँ पे शीवर के काम जो है दिखाई देंगे, और ये देखिए यहाँ पे डेप्थ का निर्माण हो चुका है और टूटे जा रहे तोड़े जा रहे हैं यहाँ पे देखिए जो है ये सब टूट के जो है पीछे की तरफ जाएंगे। ये वाला घर भी दोस्तों ऊपर की तरफ से तोड़ा जा रहा है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो है, और ये देखिए आप पूरी व्यवस्था आपको यहाँ पे दिखने वाली है, पूरा जो है तोड़ फोड़ यहाँ जो है नया रेस्टोरेंट इस समय बहुत सारे यहाँ पे सामने की तरफ खुले हुए हैं, और इसके जस्ट बगल ही यहाँ पे राम जन्मभूमि का जो है पथ है, वहीं से आप अंदर की तरफ जा सकते हैं। राम जैसे हम दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक और हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को लेकर चलने वाला हूँ अयोध्या स्टेशन मार्ग पे, जहाँ से लोग गुजरते हैं दोस्तों जो दूर दूर से आते हैं, और मेन मार्ग वही है जो कि रेलवे स्टेशन से होते हुए राम मंदिर की तरफ और यहाँ लता मंगेशकर की तरफ आता है। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, पूरी डेवलपमेंट की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सामने आपको दिखाई दे रहा होगा ये है नया घाट और राम की पहाड़ी। दोस्तों यहाँ पे जो है आगे की तरफ से एक रास्ता दिया गया है जहाँ से हम जो है जा सकते हैं नागेश्वर नाथ मंदिर के पास। अगर आप सरयू में स्नान कर रहे हैं और अयोध्या आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो पहले जो है सरयू में स्नान करना है और उसके बाद में जो है आप जा सकते हैं नागेश्वर नाथ मंदिर, वहाँ पे आप जल चढ़ाएंगे, उसके बाद में यहाँ से आपकी यात्रा जो है स्टार्ट होती है। हनुमानगढ़ी, कनक भवन, हमारा राम मंदिर और उसके बाद में बड़े हनुमान, बहुत सारे ऐसे मंदिर आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पे तकरीबन 8000 छोटे बड़े मंदिरों को लेकर है दोस्तों, लेकिन आपको मेन मंदिर जो आपको दिखाई देने वाला है वो आपको जो है राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, राजा दशरथ महल, और यही जो है 4-5 मंदिर जो है यहाँ पे मेन मंदिर आपको दिखाई देने वाला है। ये दोस्तों जिस पथ पे मैं चल रहा हूँ ये है श्री राम पथ, और श्री राम पथ का जो है निर्माण किया गया है दोस्तों पूरा 13 किलोमीटर के ये पथ है, और इस पथ पे जो है आपको सारे मंदिरों का जो है मेन गेट यहाँ से दिखाई देगा, जो कि यहीं पे जो है बगल से ही भक्ति पथ जाएगा, भक्ति पथ के बाद से जो है राम जन्मभूमि पथ यहीं से निकलेगा। और राम जन्मभूमि पथ से जो है आप जो है उसके बाद में अब इसी पथ से आप जुड़े रहेंगे, तो इसी पथ से आपको मेन रेलवे स्टेशन वाला पथ भी आपको दिखाई देगा, जो कि बहुत अच्छा एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और राम पथ से तकरीबन 300 मीटर की दूरी पे जो है यहाँ का भव्य रेलवे स्टेशन है, जो कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। और अगर आप जो है और आगे जाना चाहते हैं अयोध्या कैंट की तरफ दोस्तों, तो यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर की जो है दूरी पे आपको जो है सॉरी 11 किलोमीटर की दूरी पे आपको जो है यहाँ से अयोध्या कैंट का रेलवे स्टेशन भी दिखने वाला है, जिसका निर्माण कार्य भी इस समय चल रहा है। अभी दोस्तों देख रहे होंगे यहाँ पे जो है बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है, यहाँ पे जो है पैदल वालों के लिए बगल से एक रास्ता दिया गया है पथ के लिए, और यहाँ पे देखिए छोटी देवकाली मंदिर हमारे राइट हैंड साइड पे आपको देखने को मिल जाता, और जितने भी दर्शनार्थी आते हैं दोस्तों इसी रूट से जाते हैं स्नान करने के बाद जो है सरयू में स्नान करने के बाद इसी रूट पे जो है आपको मिलेगा कि इधर से ये लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, और उस साइड से दोस्तों वहाँ से जो दर्शन करके आता है लौट के उधर से आते हैं। ये देखिए यहाँ छोटी छावनी का ये रास्ता दिया गया है, और इधर पोस्ट ऑफिस की तरफ आप जा सकते हैं, जो कि यहीं पर सब्जी मंडी है, आप इधर की तरफ जो है जा सकते हैं दोस्तों। और इस रास्ते से जो है 4-व्हीलर गाड़ियों को अंदर नहीं आने दिया जाता है, और ये है यहाँ का कोतवाली, देख सकते हैं अयोध्या का कोतवाली यहाँ पे है। बहुत लोग दोस्तों कमेंट करते हैं कि अयोध्या में आए और यहाँ पे जो है खाना वगैरह कहाँ पे खाएं, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे होटल आपको दिखाई देंगे। इस पेट्रोल पंप के जो है जस्ट सामने की तरफ ये देखिए यहाँ पे जो है अभी तो बंद है, सुबह के तकरीबन 7 बज रहे हैं दोस्तों, और इस टाइम जो है ये होटल बंद है, लेकिन यहीं पे जो है आपको अच्छे अच्छे भोजन भी मिल जाते हैं। और अगर और आप और अच्छा भोजन करना चाहते हैं तो आप इधर से जो है ये भक्ति पथ जहाँ से हनुमानगढ़ी, कनक भवन, राजा दशरथ महल इधर आप जा सकते हैं, तो इधर की तरफ से आप जाएंगे कनक भवन के पास, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सी रसोई है अम्मा जी के नाम से, और एक है कनक रसोई के नाम से, वहाँ पे जाके जो है आप खाना खा सकते हैं। और अगर आपको मुफ्त में खाना खाना है तो 11 बजे से लेकर 3 बजे दोपहर तक और शाम को 7 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक आपको अमावा राम मंदिर में फ्री भोजन दिया जाता है,
आप वहाँ पे जाके जो है पूरे परिवार के साथ आप जाएं और वहाँ पे फ्री भोजन भी कर सकते हैं। रहने की व्यवस्था यहाँ पे बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। जहाँ पे आप अगर आएँ तो बहुत सारे होटल भी हैं यहाँ पे। और ये देखिए दिगंबर अखाड़ा का ये रास्ता है, इधर से आप हनुमानगढ़ी की तरफ भी जा सकते हैं दोस्तों। वो ऊपर ऊपर टीले पे जो है हनुमान जी बैठते हैं वहाँ पे। अभी ये रास्ता सीधे आपको यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे आपको दिखने वाला है राम मंदिर। और दोस्तों यहाँ पे पीने के लिए, पानी पीने के लिए व्यवस्था हर जगह पे आपको मिलेगी। जो है पानी पीने का पूरा फ्रीजर लगाया गया है यहाँ पे, जो कि नगर निगम वालों ने अपनी सुविधा दे रखी है। आप यहाँ पे आगे ठंडे पानी की व्यवस्था भी ले सकते हैं। बड़े बड़े होटल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, रेस्टोरेंट आपको दिख जाएंगे। ये सारे होटल जो है यहाँ पे ग्रीन पर्दे वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे इनका निर्माण कार्य हो रहा है। यहाँ पे आपको जो है होटल वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और ये देखिए आगे रेस्टोरेंट वगैरह, डोसा इडली ये सब यहाँ पे मिलता है। इस समय जो है नया रेस्टोरेंट इस समय बहुत सारे यहाँ पे सामने की तरफ खुले हुए हैं। और इसके जस्ट बगल ही यहाँ पे राम जन्मभूमि का जो है पथ है, वहीं से आप अंदर की तरफ जा सकते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए दोस्तों। और ये देखिए भीड़ देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत खतरनाक वाला भीड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों इस जगह से जो है आगे की तरफ आप जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा भीड़ आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यही पथ है सामने वाला, यहाँ से आप जा सकते हैं राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। और ये है यहाँ का जो है मेन द्वार, जो कि राम जन्मभूमि मार्ग बोला जाता है। और यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे आप जाएंगे तो आपको राम मंदिर दिखाई देने वाला है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे आप इधर की तरफ अगर आप जाते हैं दोस्तों, ये बगल में ही जो है यहाँ पे बिरला धर्मशाला, बिरला मंदिर, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और यहाँ पे आप अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा सकते हैं, ये बगल में दिया गया है। और आपको अब हम लेकर चलते हैं रेलवे स्टेशन रोड पे, जो कि यहाँ का बहुत ही बढ़िया कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे बगल बगल में आपको जो है यहाँ पे शीवर के काम जो है दिखाई देंगे। और ये देखिए यहाँ पे डेप्थ का निर्माण हो चुका है और तोड़े जा रहे हैं यहाँ पे। देखिए जो है घरों को तोड़ा गया है बहुत जगह पे, अभी जो है तोड़ा गया है, बहुत जगह का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। आपको ये बगल में ही जो है यहाँ पे रहने के लिए और जो है यहाँ पे होटल वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों ये देखिए यहाँ पे तोड़े फोड़े जो जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे घरों को पीछे किया गया है और बहुत ही खूबसूरत निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। घरों को देखिए यहाँ पे जो है ये बनाया जा रहा है, यहाँ पे शिवर, यहाँ पे दुकानों का भी निर्माण जो है पीछे की तरफ किया जा रहा है। और जितने भी यात्री लोग आते हैं रेलवे स्टेशन से, यही मार्ग है डायरेक्ट आपको जो है श्री राम पथ पे लेकर जाता है। वहां से आप सभी जगहों पे जा सकते हैं, राम मंदिर, दशरथ महल, हर जगह पे आप यहीं से जो है इधर से जाएंगे तो आपको दिखने वाला है। और ये जो है ये आपको शौचालय वगैरह जो दिखाई दे रहा हुआ सामने, ये सब टूट के जो है पीछे की तरफ जाएंगे। ये वाला घर भी दोस्तों ऊपर की तरफ से तोड़ा जा रहा है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो है। और ये देखिए आप पूरी व्यवस्था आपको यहाँ पे दिखने वाली है, पूरा जो है तोड़ फोड़ यहाँ पे हो रहा है। अभी यहीं से आप दोस्तों जा सकते हैं, यहाँ पे अपना ई रिक्शा बुक करा के जो है जहाँ भी जाना चाहें आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। पूरा अगर दर्शन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से ई रिक्शा वाले जो है लेकर जाएंगे सरजू रिवर की तरफ, आप वहाँ पे जा सकते हैं, पूरा मंदिरों का भी दर्शन कर सकते हैं। सामने आपको दिखाई देने वाला है रेलवे स्टेशन, ये देखिए आप, ये है पुराना वाला रेलवे स्टेशन। और इधर की तरफ अगर आप जाते हैं दोस्तों तो ये है नया वाला रेलवे स्टेशन, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों ये इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे हमारे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने इस चैनल पे हम लाते रहते हैं दोस्तों। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।